नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका आज चक्रव्यूह में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे दाव पेच खेले जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम वादे, तमाम दावे जनता से किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे को उठा रहा है, चाहे वो खाद्य पदार्थ के बढ़ते महंगे दाम हों, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम हों, या फिर रसोई गैस सिलेंडर के दाम हों, या फिर किसानों का मुद्दा हो। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो योगी आदित्यनाथ यानी कि सूबे के मुखिया करने वाले हैं। सीएम आवास पर ये बैठक होगी। उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। शाम 5:30 बजे तमाम बड़े मंत्री इसमें शामिल होंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि दिवाली से पहले यह बड़ा तोहफा योगी सरकार की तरफ से प्रदेश की जनता के लिए हो सकता है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये जनता के लिए सबसे ज्यादा बड़ा विषय है कि इसमें कमी आए, क्योंकि सबसे ज्यादा असर जनता की जेब पर पड़ रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि दिवाली गिफ्ट तो होगा ही होगा, साथ ही साथ ये भी तय हो जाएगा कि जनता को कितना ज़्यादा खुश करने की कोशिश तमाम पार्टियां कर रही हैं। कोई लैपटॉप फ्री दे रहा है, तो कोई साइकिल फ्री दे रहा है, तो कोई स्मार्टफोन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बात कर रहा है, या फिर अगर देखा जाए तो फ्री बिजली की बात कर रहा है। तो ऐसे में जितने भी विपक्षी दल थे, जितने भी सियासी दाव पेच खेले थे, इस पर एक ही झटके में योगी आदित्यनाथ पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि विपक्ष ने बहुत सारी चालें चली हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक ही मास्टर स्ट्रोक काफी है। वो मास्टर स्ट्रोक है बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। तो पेट्रोल पर जो सियासी खेल लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था, उस पर अब कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगने वाला है, क्योंकि आज बैठक होगी। बैठक में ये तय हो जाएगा कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता को पेट्रोल और डीजल के कितने दाम देने होंगे। इसके अलावा तमाम और मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में हम लगातार देख रहे हैं कि कोई राम नाम का सहारा ले रहा है, तो कोई फ्री बिजली मुफ्त में दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। एक दूसरी पार्टी में विलय का भी आरंभ हो चुका है, चाहे वो सपा और सपा का विलय होना हो, या फिर शिवपाल यादव का लगातार अखिलेश यादव को ये कहना हो कि वो पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, नहीं तो वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं। इशारों इशारों में उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कई दशकों से सत्ता में नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि हम धरातल उत्तर पर लगातार काम करते हैं, धरातल पर जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। कोई भी बड़ा मुद्दा होता है, प्रियंका गांधी वहां जाती हैं, उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी कितना सफल होंगी ये देखना होगा। जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर 40% महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दे दिया है, इसके अलावा छात्राओं को 12वीं पास करने पर स्मार्टफोन और एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बात वो कर रही हैं, ये भी कहीं ना कहीं सियासी है, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो ऐसे वादे किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हो जाती है तो उन वादों को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल आम जनता के लिए हो जाता है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश चंद श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और वंदना सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं सपा से। सबसे पहले हरीश चंद श्रीवास्तव जी, आपका रुख करूंगी। हरीश जी, ये बताइए कि इतने सारे सियासी दावपेच विपक्ष ने खेले, महंगाई को लेकर लगातार सवाल किए, लेकिन आज जो बैठक होने जा रही है, योगी आदित्यनाथ जो बैठक करेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों को तय करने के लिए, ये कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, उत्तर प्रदेश के जो अभिनंदनीय मुख्यमंत्री है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो एक बहुत ही संवेदनशील उनका व्यक्तित्व है, और जब भी उनको कोई ऐसा विषय उनके संज्ञान में आता है जिससे आम लोगों को कुछ परेशानी पेश आ रही हो तो उसको तात्कालिक समाधान के लिए वो कदम उठाते हैं। और जिस तरह से इधर लगातार
पेट्रोल उत्पाद की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसको लेकर के उनकी चिंता है। और मुझे लगता है कि जो का जो जो मीटिंग करने जा रहे हैं जिससे कोई समाधान नहीं, हरीश जी, ये जो हल निकालते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ, ये चुनावों से पहले ही अचानक से क्यों याद आ रहा है, दिवाली से पहले, यानी कि दिवाली का तोहफा भी दे दे और 2022 का भी तोहफा दे दे। नहीं देखिए, इसको इंटरनेट पर आप इस तरह से कर रही हैं, लेकिन अगर आप उनके 4.5 साल के कार्यकाल को देखें तो पूरे कार्यकाल में कोई चाहे छात्रों की समस्या रही हो, चाहे नौकरियों में जिस तरह से पहले नीलामी होती थी नौकरियों की, उसकी समस्या रही हो, हर व्यवस्था को उन्होंने ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश किया। और यही कारण है कि लगभग 1,00,000 करोड़ किसानों के खाते में डीपीएल के माध्यम से गया है। वो गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ का भुगतान हो या भुगतान हो, तो उन्होंने हर व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए कदम उठाए और दृढ़ता के साथ उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया। उसी का परिणाम है कि आज जो जल्दी से जल्दी निपटाना चाहते हैं चीजों को 2022 से पहले। नहीं तो निश्चित रूप से 2022 का चुनाव आ रहा है, तो जो विकास कार्य हुए हैं साकार हुए, तो उन्होंने कार्य किया है वो जनता को लोकार्पित होना चाहिए ना, जनता को उपयोग के लिए है, देश की सम्मानित जनता के कल्याण के लिए है, तो लोकार्पण के बाद वो जनता उपयोग में आती है, ये तो अच्छी बात है। तमाम सारी जो विकास की परियोजनाएं हैं वो मुख्यमंत्री जी ने उसको लोकार्पण करने का काम किया। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये कोई सियासी एजेंडा या प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में लिया गया फैसला है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, वंदना जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, प्रवक्ता हैं सपा से। वंदना जी, बहुत कोशिश की विपक्ष ने महंगाई के मुद्दे को भुनाने की, पेट्रोल डीजल का मुद्दा जो है, सपा ने तो बैलगाड़ी यात्रा भी निकाली थी, लेकिन अब तो चारों खानों चित कर दिया है। ये आपको लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव जब सिर पे आ जाए तो आप फिर वहां पे लगे नाम बदलने, कितने उद्घाटन हो रहे हैं, अब 4-4 एम्स के उद्घाटन हो गए, प्रधानमंत्री जी पहुंच रहे हैं, कभी योगी आदित्यनाथ जी पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, ये रोज उद्घाटन होते हैं, रोज अनाउंसमेंट होते हैं, अभी तक कहां थे? जनता, पूरा देश इस डीजल और पेट्रोल के दामों तले दबा हुआ है। इतनी महंगाई कभी नहीं हुई, जिस तरह के अब हालात, नौकरियां है नहीं, नौजवान वैसे घूम रहा है बिना नौकरी के, घर में जिनको ये बातें बहन उज्ज्वला के तहत सिलेंडर दिए गए हैं उनके पास पैसे होंगे तब तो वो सिलेंडर भरवाए जाएंगे, सब जा रहे हैं कबाड़ियों के यहाँ, तो कहाँ पे ये हो रहा है विकास? ये तो लोगों की किताबों में हो रहा होगा, तो पहले दिख रहा है, आप हमारे जितने इंडेक्स से सब उठा के देख लें, इन्हीं लोगों के आंकड़े हैं, सरकार के आंकड़े हैं, कहां जा रहे हैं? ये तो कहने के बाद है, ये वही हाल है, खाने के बाद खाने के दूसरे वही हाल दिखता है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं आ रहा हूं, मुझे आने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम आने नहीं देंगे, तो कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे अखिलेश यादव? चलिए अच्छा है ना, वो कहते हैं हम आने नहीं देंगे, बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो जनता इस बात का फैसला लेगी कि किसको आना है और किसको जाना है। और चार महीने बहुत दिन भी नहीं है, ये तो पता चल जाएगा किसको जनता चाहती है किसको नहीं चाहती है, उसमें हम और आप बैठ के कोई फैसला नहीं, फैसला जनता ही करेगी। और जनता इस वक्त अगर आप सही माने में पूछेंगे बहुत दुखी है, सब लोग दुखी है, कोई एक उत्तर प्रदेश की बात में नहीं कर रही हूँ, जिस हालात में जिस कगार पे देश पहुंच गया है, शायद इतनी बड़ी उपलब्धि को कभी नहीं दी होगी भाजपा ने जैसी आज की भाजपा की सरकार ने दी है। ठीक है वंदना जी, यानी ये कहा जा सकता है कि आपकी पार्टी पूरी तरह से ये कॉन्फिडेंस में है कि जनता पूरी तरह से त्रस्त है और 2022 में अखिलेश यादव सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी,
वंदना जी ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि जनता फैसला करेगी, जनता बेहद दुखी है। वंदना जी कह रही हैं, आप ही कहते हैं कि जनता बेहद खुश है, हम माने किसकी? देखिए, जनता खुशहाल है, विपक्षी दल के मित्र हमारे जरूर दुखी हैं, वो हताश रात परेशान जरूर हैं। वंदना जी को, क्योंकि हमारे विपक्षी दल के मित्रों को जनता कोई स्पेस नहीं दे रही है, उसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी का जो यशस्वी नेतृत्व है, वो जन कल्याणकारी योजनाओं को लगातार क्रियान्वित कर रहा है। जैसा कि वंदना जी स्वतः कह रही थी कि आए दिन उद्घाटन हो रहे हैं, तो काम हुए हैं। हरी जी, मैं आपकी इन बातों से कि जब विकास कार्यों का संपन्न हुए हैं, और जहां तक की बात है, कोविड महामारी के चलते ऐसी मंदी है, पूरी दुनिया में मंदी का दौर है, और देश की जनता को जागरूक है, वो जानती है कि किस तरह से दो दो बार कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को संकट में किया, और उससे उबारने के लिए हमारे जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ, मैं आपसे पूर्णता सहमत नहीं हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जनता खुशहाल है, प्रदेश की जनता, पूर्णता सहमत नहीं, क्योंकि अपराध का ग्राफ कितना बढ़ रहा है ये आप भी जानते हैं, आपकी नजरों के सामने होगा, आप सत्ता में हैं, सब पता है आपको। नहीं, अपराधियों की कमर तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी, कमर तोड़ने के बाद भी तो अपराध कितनी चरम पर है ना। अपराध क्या, सामाजिक जो अपराध होते हैं उन अपराधों पे प्रभावी नियंत्रण के लिए सरकार काम कर रही है, और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि 4.5 साल के योगी सरकार में एक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यह कह सके किसी आपराधिक घटना में किसी अपराधी के प्रति कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ हो या किसी के प्रति। आपकी तो पुलिस ही कहीं ना, आपकी तो पुलिस भी कई बार अपराधी बन जाती है। गोरखपुर का मैटर उठा लीजिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हुई है। आपकी जो पुलिस है वो भी कई बार अपराधी बन जाती है, उस पर कैसे लगाम लगाइएगा? नहीं, उस पर भी लगाम लगाने के लिए सरकार काम करती है, और अगर कोई ऐसा मामला प्रकाश में आया तो उन अपराधी उन पुलिस वालों के खिलाफ भी 302 मुकदमे दर्ज हुए, उनकी भी गिरफ्तारी हुई, तो वो आईएएस हो, आईपीएस हो, वो किसी को भी योगी सरकार के खास हो। हरीश जी, वंदना जी कुछ कह रही है, वंदना जी कुछ कह रही है। हरीश जी, आप लोग इतने ज्यादा व्यस्त है बच्चों को, स्टूडेंट्स को पकड़ने में, किसी के ऊपर यूपीए की धारा लगा दे, किसी के ऊपर कोई धारा लगा के आप यही करते रहे, और दुनिया को दिखाए कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वंदना जी की बात साफ नहीं आ रही हो, वंदना जी धाराओं पे ये हाल आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है, कोर्टों को बीच में आना पड़ रहा है उनको बचाने के लिए। ये तो आपकी सरकार की उपलब्धियां हैं, कौन से देश का निर्माण हमारी सरकार अपनी क्या छोड़ के जाएंगे? हमारी सरकार ठीक है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गई हैं, सूची विश्वास जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। ठीक है सूची जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज तो साफ मिल रही है, बाकी सब आवाज पीछे। ठीक है, वो टेक्निकल इशू है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है सूची जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खास बैठक करने जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर। हो सकता है कि दिवाली से पहले खास तोहफा जनता को दें, तो इससे तो आपके मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तोहफा दे दो, मैं तो चाह रही हूँ कि 35 रुपए लीटर के लिए बाबा रामदेव मिल ही नहीं, मैं तो चाह रही हूँ सिलेंडर हमें पुराना बुरे दिन वापस कर दे, क्योंकि अच्छे दिनों की आड़ में जो पेट्रोल और डीजल छोड़िए, सरसों का तेल 220 रुपए है, टमाटर 80 रुपए किलो है। अभी समझ में आता है कि ग्रेवी सेब की बनाए या टमाटर की, तो सरकार ने तो अच्छे दिनों का वादा किया था। पेट्रोल डीजल को सरसों के तेल की बात करिए, उसके पहले टमाटर की बात करिए, सब्जियों की बात करिए, अरहर की दाल भी 100 रुपए से ऊपर है। ठीक है तोहफा सरकार को देना है तो सरकार दे दे, हमारी मेहनत की चिंता ना करे, हम तो देशवासियों के साथ है। अगर देश के लोगों को पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, सिलेंडर 400 रुपए में मिलेगा, आप अपने कदम पीछे हटा लीजिएगा,
ठीक है, अगर सरकार तोहफा देती है तो आप पीछे हट जाएंगे? पीछे हटना क्या, सरकार के पास तो मुद्दों की कसर नहीं है ना, सरकार ने तो आम आदमी को निचोड़ लिया है, सरकार ने तो थाली में नमक रोटी रख दिया है, सरकार ने तो लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया है, सरकार ने तो लाखों लोगों के रोजगार को खत्म कर दिया है, सरकार ने तो करोड़ों स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को तबाह कर दिया है। नहीं, क्या सिर्फ ये भारत के हालात है? क्या ये सिर्फ भारत के हालात है सूची जी? नहीं नहीं, तो भारत की दुर्गति का जिम्मेवार कौन है? एक और सरकार ये शिगुफा करती है कि जगत गुरु है, विश्व गुरु है, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हम बहुत बहादुर हैं, हमने दूसरी ओर जीडीपी, जब सरकार विपक्ष में थी तब तो लाल आंखें थी, तब तो चाइना था, तब तो डीजल 37 रुपए था, तब तो प्याज की माला गले में पहन के सिलेंडर लेके तमाम सारे नेता राजघाट पर बैठे थे। तो अभी क्या सरकार के मतलब नेत्र दोष हो गया है? अब सच को सरकार स्वीकार करे, अब तो आम आदमी के हितों की सरकार बात करे। आम आदमी के हितों की बात आप कर रही है सूची जी? आपने जो वादा किया है, प्रियंका गांधी जी ने जो वादा किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता में वो काबिज होते हैं तो एक स्मार्टफोन दिया जाएगा, और उसके बाद फिर स्नातक की परीक्षा जब पास करेंगे तो फिर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी, आम जनता के हितों की बात तो आपने भी नहीं की है, महंगाई पर तो आपने भी कुछ नहीं कहा कि 2022 में जब हम आएंगे तो कुछ करेंगे। देखिए, पिछले 7 साल से जो बेच रहे हैं ना, उसका 70 साल में निर्माण हमने ही किया है, और हमने किसानों के लिए भी कहा कि भाई पूरा कर्जा माफ करेंगे, हमने झूठ नहीं बोला कि जब हम पावर में आ जाएंगे तो फिर लघु किसान लाएंगे, हम वादा निभाएंगे, टैगलाइन चल रही है, किसानों की दुगनी आय का प्रलोभन देंगे, उनकी आय को आधा कर देंगे, पूंजीपतियों के मुनाफे को 4 गुना कर देंगे। हमने पूर्व में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का एक मुश्त माफ किया है। तो अब वो सरकार है जो अपने वादों पर हमेशा खड़ी हुई है, जिसकी जनता की सेवा की। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बताइए ना सूची जी, उत्तर प्रदेश में क्या करेंगे आप, महंगाई को लेकर क्या करेंगे 2022 में अगर आते हैं तो? देखिए, सबसे पहले तो हम आधी आबादी को सशक्त करेंगे, गुड गवर्नेंस का वादा करके जो लोग पावर में आए थे, और हाथरस रेप पीड़िता हो, चिन्मयानंद का मसला हो, कुलदीप सेंगर हो, या फिर जो आम एनसीआरडी के आंकड़े हैं, यौन शोषण की घटनाएं हैं, बच्चियां हैं, तो सबसे पहले तो आधी आबादी की सुरक्षा और उन्हें साक्षर करना, उन्हें मजबूत करना, उन्हें आत्मनिर्भर करना, उसी दिशा में ये जो पहली प्रतिज्ञा है श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की, राजनीतिक भागीदारी 40%। आप समझ लीजिए कि ये बहुत ही क्रांतिकारी एक डिसीजन है महिलाओं को एम्पावर करने की दिशा। और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था लाकर जो एक मूल फैसला लिया था, जिसका धरातल पर हम आज प्रतिबिंब देखते हैं, और हम हो या वरना जी हो या आप हो, सशक्त महिला के तौर पर एक सूची जी, एक सुगाहट आज मिली है, एक छोटी सी खबर मिली है, अभी तो छोटी है लेकिन बड़ी भी हो सकती है। शिवपाल यादव जी कहीं ना कहीं इशारों में कहते हैं कि कांग्रेस से वो गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि वो गठबंधन करने के लिए अभी तैयार नहीं है, आगे चल के सोचा जाएगा। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक नए नैरेटिव, एक नए परसेप्शन को जन्म दिया है, और आधी आबादी को सशक्त करने की जो बात हो रही थी, जो फॉसिल ताकतें आज सत्ता में हैं, जो ये कास्ट, ये कम्युनिटी की क्रीड की पॉलिटिक्स है, ये अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, गठजोड़, बनजोड़, हमने इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए एक महिला परिवार की धुरी होती है, बच्चे की पहली पाठशाला होती है, वो जिले में साक्षर हो, मोहल्ले में साक्षर हो, ब्लॉक में साक्षर हो, तहसील में साक्षर हो, और आप समझिए कि अच्छा, आप ये आप सिर्फ और सिर्फ इस चर्चा में तो महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रही हैं सूची जी, आप महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रही हैं? भारतीय नागरिक के तौर पर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में दी गई 7 प्रतिज्ञाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के बदलाव की दिशा में बात कर रही हूँ। नहीं, वो तो आपने रखी है, लेकिन इस पर सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। चलिए ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा पर आप बात करती हैं तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत बात होती है, प्रियंका गांधी जी भी करती है, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा मिले, लेकिन राजस्थान की महिलाएं जो है, क्या उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है? देश की महिलाओं को सशक्त किसने किया? ये जो इक्वल वेजेस की बात है ना, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की बात नहीं, है, आप राजस्थान पर बताइए ना सूची जी, फिर हम उसपे भी जाएंगे, उसपे भी जाएंगे। अब सुन लीजिए, सुनिए, हैरेसमेंट एक वर्क प्लेस है, ये सारे कानून किसके सरकारों में है? ये जो मातृ जननी सुरक्षा योजना है, जो मॉल न्यूट्रिशन से जुड़े बच्चों की योजनाएं हैं, ये महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में किसने किया?
अब अगर बीजेपी होती तो स्वर्गीय श्री राजा राम मोहन रॉय का नाम हटाकर वहां पर सावरकर या हेडगेवार का पोस्टर लगा देती, लेकिन ये तो कांग्रेस की ही सोच है ना। नहीं, मैं बात किस दिशा में कर रही हूँ, आप कौन सी दिशा में बात कर रही हैं? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि महिला सुरक्षा की आप बात करती हैं उत्तर प्रदेश में, तो राजस्थान में क्या महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत नहीं है? आप बस इतना बताइए मुझे, है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ, चैनल वालों को चाहिए एटलीस्ट वो पत्रकार की बात की व्यवहार करें। राजस्थान की महिलाएं, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, पंजाब की महिलाएं, बिहार की महिलाएं, मेघालय और मिजोरम की महिलाएं, सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप जवाब देंगी, नहीं आप जवाब देंगी ऐसा लग नहीं रहा है। मैं सिर्फ राजस्थान पर पूछ रही हूँ सूची जी, सिर्फ राजस्थान पर बताइए। राजस्थान कोई अलग है क्या भारत वर्ष से? नहीं, भारत से अलग नहीं है, तो यूपी भी तो अलग नहीं है ना। यूपी पे आप इतना फोकस करिए, राजस्थान पर थोड़ा सा करिए ना। तो आप बताइए कि राजस्थान में प्रधानमंत्री का जाना मना है, कि गृह मंत्री का जाना मना है, कि बॉर्डर पर फोर्सेस लगा दी गई है, इसका पीड़िता को बिल्कुल सही है। नहीं, आपने सही बिल्कुल सही बात रखी है। इसका जवाब भी हरीश जी देंगे। आप ठीक है सूची जी, ठीक है। देखिए, कांग्रेस की मुश्किल ये है, सूची जी सुन लीजिए, हरीश जी कह रहे हैं कुछ, वो कांग्रेस की मुश्किल ये है कि वो बाकी उनकी सरकारों में क्या हो रहा, राजस्थान में क्या हो रहा, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा, महाराष्ट्र में क्या हो रहा। नहीं, उन्होंने भी एक सवाल किया है, आप उसका भी जवाब दीजिए ना, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह का जाना क्या मना है राजस्थान में, वो भी कुछ पूछ रही है, उसका भी जवाब दीजिए हरीश जी। नहीं, प्रधानमंत्री जी तो अभी राजस्थान के प्रोजेक्ट का उन्होंने किया लोकार्पण किया, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कहां उनके लिए बना। अब सुन लीजिएगा सूची जी, उन्होंने तो विकास योजनाओं में पूरा सहयोग, अमृत महोत्सव में जब आए थे प्रधानमंत्री जी तो लखीमपुर से 120 किलोमीटर है। मैंने कहा ना, सूची विश्वास को याद नहीं होगा कांग्रेस के। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को हाथरस रेप पीड़िता से मिलने के लिए रोका गया, उनको 3 दिन हाउस अरेस्ट रखा गया। महाराष्ट्र की सरकार हो, ठीक है जवाब मिल गया। सूची जी, आप एक बात बताइए कि जो अभी मैंने आपसे बात बोली थी कि शिवपाल यादव चाहते हैं कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में आए, तो आप ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि अगर गठबंधन होता है तो ये यहाँ सपा को हराने में थोड़ी सी आसानी होगी। जो भी लोग लाइक माइंडेड हैं वो अपने हिसाब से इधर उधर मोटिवेट होते हैं, मैं कोई टीका टिप्पणी कैसे कर सकती हूँ। समाज के साथ धारा के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, जनता भी जुड़ सकते हैं, जो विजयी होते हैं वो सत्ता में आते हैं, तो अब इसमें कौन किसके साथ क्यों करेगा इसके लिए। ठीक है प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस की मजबूती जो है वो तो कम से कम नजर आती है, भले ही कांग्रेस आगे चल के सीटें लाए या ना लाए, लेकिन प्रियंका गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर जरूर नजर आती हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और आगे चल के जो प्रतिक्रियाएं हैं उनकी वो भी बहुत शानदार नजर आती है। फिलहाल ये कितनी शानदार होंगी तो जनता ही फैसला करेगी। वंदना जी लगातार बनी हुई है, बहुत देर से सुन रही है। वंदना जी, वंदना जी, यहाँ पर कांग्रेस भी है, यहाँ पर बीजेपी भी है, सपा अलग है क्योंकि एक मुख्य विपक्षी दल सपा ही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव हर बार कह देते हैं कि झूठों की सरकार है, झूठी सरकार है, लूट का फूल है, तो 2017 में फिर ऐसा क्या हुआ कि सपा का ही सफाया कर दिया गया? देखिए, ऐसा है, ये जनता है, ये सोचती है कि चलिए हम किसी और को मौका दें, उन्होंने मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी केंद्र में भी प्रदेश में भी, लेकिन जिस हाल पे आज जनता पहुंच गई है उसको अब ये जनता से पूछिए किस हालात से वो गुजर रहे हैं। हम लोग पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, अब सारा का सारा भार तो पेट्रोल डीजल पे ही पड़ता है, टमाटर के दाम भी उसी से बढ़ते हैं, आलू के दाम भी उसी से बढ़ते हैं, सब कुछ पेट्रोल डीजल से जुड़ा हुआ है। फिर मैंने सुना आप महिलाओं के बारे में बात कर रही थी, हम महिलाओं की हालत तो देश में बद से बदतर होती जा रही है। आप बताएं कौन सी जगह ऐसी है जहां महिलाएं बड़े सिर के ऊपर रखी गई हैं? सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं करते हैं, उत्तर प्रदेश की ना राजस्थान की ना कहीं, दिल्ली का हाल बुरा है। महिला होने के नाते आप कहीं भी चले जाइए, अपील में कोई सुनवाई नहीं होगी।
तो ये तो कहने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल वंदा जी, आप तो ऐसा कोई भी विषय नहीं दिख रहा है कि जहाँ पे ये अपनी पीठ थपथपाए। आज के तो ये देश का ये आलम है कि हम बांग्लादेश के पीछे हैं। अब आप बताइए बांग्लादेश हमसे आगे पहुंच गया है, इसमें भी हम लोग कहें थैंक यू मोदी जी। हर चीज में तो थैंक यू मोदी जी होता है, अब आप बताएं किसको थैंक यू बोले हम लोग। चलिए ठीक है ठीक है, जो विपक्षी ठीक है ठीक है, विपक्षी दल के जो सुर हैं वो एक जैसे नजर आते हैं। अभी तो गठबंधन की बात नहीं हो रही है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में महंगाई को लेकर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया। महंगाई को लेकर हमने देखा था कि बैलगाड़ियां चलाई गई सपा द्वारा, कांग्रेस भी लगातार यात्रा निकालती रही और ये कहती रही कि पेट्रोल डीजल की कीमत जो है लगातार बढ़ रही है, इनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर जा रहा है। ऐसे में आज एक बड़ा फैसला योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं। 5:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में एक बैठक होगी। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी कटौती की जाए और ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट दिवाली का आम जनता के लिए हो सकता है। फिलहाल तो ये कहा जा रहा है बीजेपी द्वारा कि सिर्फ जनता के हित में काम किया जा रहा है, लेकिन ये कितना जनता के हित में है और कितना सियासी है ये किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।